स्वागत है आप सभी का आईपीएल सीजन 16 का 15वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान इस वक्त जारी है, जहां इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जहां रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी बारी की शुरुआत करने आए, जहाँ विराट कोहली ने आज शानदार बारी खेली, जहाँ विराट कोहली के बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के निकले, जहाँ कोहली ने 44 गेंदों में 61 रन की शानदार बारी खेली और फैफ डुप्लेसी ने 29 गेंदों में 32 रन पर नाबाद हैं और ग्लेन मैक्सवेल 6 गेंदों में 3 रन पर नाबाद हैं। कुल मिलाके रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का स्कोर 13 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 105 है, जहां 105 रन का लक्ष्य अभी तक है, यानी कि 105 से भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम 200 तक भी पहुंच सकती है। जयदेव उनादकट ने 1 ओवर 4 रन दिए हैं, कोई सफलता हासिल उनादकट को नहीं मिली है, यानी कि अमित मिश्रा 1 ओवर में अभी तक 6 रन खर्च करके 1 विकेट अमित मिश्रा को मिली है, यानी कि पहला आईपीएल सीजन 16 का आज का पहला एक ही मुकाबला था इस दिन में, क्योंकि आईपीएल सीजन 16 के 15वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आरसीबी से भिड़ रही है, जहां इस मुकाबले में 13 ओवर में 105 रन रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने बना लिए हैं। देखने वाली बात होगी कि 20 ओवर तक रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम कहां तक पहुंचती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए।